जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 7। और आज हमारा टॉपिक होगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग। आज का टॉपिक डेली लाइफ से बिल्कुल फील करने वाला टॉपिक है, बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट को हम फील करेंगे और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। बसरते चीजों को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट सेशन को देखना, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अग्निपथ बैच की कंसेप्ट क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक है, और उसको जब आप ओपन करोगे तो वहां सारी कंसेप्ट क्लासेस निकल के आ जाएंगी। और ध्यान से सभी प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग, ठीक, सापेक्ष वेग। चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से एक बात को समझना बच्चे। जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, सापेक्ष वेग, पहली बात, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसे ही मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वर यानी देखने वाला कहते हैं। सबसे पहले सेशन के अंदर मैंने यही बात आपको सिखाई थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो जाके आप देख लें, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है सबसे पहला लेक्चर जाके देख लें, यहां आप आई बटन आएगा उस पर क्लिक कर लेना। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बच्चे मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वर देखने वाला, ऑब्जर्वर देखने वाला। तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। सारी बातें हम पढ़ चुके हैं क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ध्यान से मेरी बात को समझना है कि कंसेप्ट को फील करना एक एक बात को। जैसे आपके सामने मान के चलो यहां एक भाई साहब हैं, ये रहे, ठीक, ये रहे, और मान के चलो इनका नाम है ए। क्या नाम है इनका, ए, थोड़ी देर के लिए ए समझ लेते हैं। और एक भाई साहब हैं ये आराम से भाग रहे हैं, मोशन में है आगे की तरफ। इनका नाम है वी। क्या नाम है इनका, बी। तो ये भाग रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी होगी कुछ वी ए, और ये भी भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी होगी कुछ बी बी। अगर मैंने आपके सामने कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसा जैसे लिखा वी ए वी, वेलोसिटी वेक्टर है तो मैंने वेक्टर लगा दिया, तो मैंने ऐसे लिखा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। हिंदी वालों के लिए, वे ए का वेग बी के सापेक्ष में, इस का मतलब ये ए का वेग बी के सापेक्ष में। या इस बात का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी। ये ध्यान से समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए का वेग बी के द्वारा देखा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ एज सीन बाई बी। अगर मैंने इस बात को ऐसे लिखा है वी ए वी, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, तो देखने वाला कौन है, बी। मतलब बी क्या है, देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर हमेशा सबसे कहां आएगा, लास्ट में आएगा। जैसे मैंने लिखा, अगेन मैंने लिखा बी बी ए, ऐसे लिखा, अब देखने वाला कौन होगा, सबसे लास्ट में, दैट इज ऑब्जर्वर ए। तो इसको कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। तो बच्चे वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए मतलब बी का वेग ए के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक, समझ में आई बात। तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ एज सीन बाई बी, तो बी देख रहा पीछे मुड़के कि ए की स्पीड क्या है, और ऐसे लिखा मैंने वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। अब ए देख रहा है बी को भागते हुए कि कितने वेग से भाग रहा है। अब अगर मैंने इस बात को लिखा तो बच्चे हम इसको लिख देंगे, जो ए है उसमें से बी को माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे,
जो पहले है उसमें से बच्चे लास्ट को माइनस कर देंगे, बीवी माइनस बीए, इस तरीके से इनको सॉल्व करा जाएगा। पहले ये चीज देख लो, क्लियर? कोई दिक्कत? जो पहले दे रखा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दे रखा है उसको बाद में, दोनों में क्या लगा देंगे? माइनस का साइन, यानी घटा देंगे पहले वाले में से बाद वाले को। ये है, ठीक? इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। देखो, जैसे मान के चलो ये एक ठेला है, क्या? एक ठेला, सब्जी वाला ठेला, याद है आपको? इसपे अंगूर, सेब, संतरा, केला बिकते हैं ना, ये वाला ठेला। अब इस ठेला के ऊपर एक भाई साहब खड़े हैं, ठीक, और इनका नाम है राजू। क्या नाम है इनका? राजू नाम है, राजू। और नीचे एक एक और खड़े हैं जिनका नाम है, मान के चलो, अंजलि। क्या नाम है? अंजलि, ठीक। ये जो ठेला है, ये जो ठेला है, मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। कितनी स्पीड चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, राइट? कितनी स्पीड से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो अब अंजलि को राजू कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? क्वेश्चन ये है, अंजलि को राजू की क्या स्पीड दिखाई देगी? दोबारा समझो, ये ठेला है, ठेले के ऊपर राजू खड़ा है और ये ठेला 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और अंजलि रेस्ट में खड़ी हुई है, टकटकी लगाए खड़ी हुई है कि राजू जाएगा। अब वो राजू को देख रही है, तो राजू को, अंजलि को राजू कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? तो क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ राजू एज सीन बाय अंजलि, यानी राजू की स्पीड, राजू का वेग अंजलि को क्या दिखाई देगा? तो देखने वाला कौन है? अंजलि। तो ये क्या बन गया आपका? ऑब्जर्वर, देखने वाला। तो मेरे सर इसको क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ राजू माइनस वेलोसिटी ऑफ अंजलि, तो सबसे पहले वाला है और उसको माइनस लास्ट वाला, ठीक। हम सबको पता है ये अंजलि बच्चे, मैंने किसमें बताई है आपको? रेस्ट में बताई है, विराम में बताई है, खड़ी है, यानी जो अंजलि की जो स्पीड है बच्चे, वो क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो, ठीक, क्लियर? इतनी बात क्लियर है। चलो, अब मैंने लिखा राजू की स्पीड कितनी है, भैया जितना ठेले की स्पीड होगी ये 20 मीटर पर सेकंड, वही स्पीड किसकी होगी? राजू की भी होगी। तो जितनी स्पीड से ठेला जा रहा होगा उतनी स्पीड से राजू जा रहा होगा। तो राजू की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड माइनस अंजलि की स्पीड कितनी है? जीरो। तो यानी अब देखिए जरा, अंजलि को राजू कितनी स्पीड से जाता दिखाई दे रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला केस, इतनी बात क्लियर है, पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन जरा समझते हैं, दूसरी देखिए, दूसरी कंडीशन, अगेन फिर से ठेला राजू द्वारा से लौट के आया, अंजलि उसको देख रही थी, ठीक। ये रहा राजू, ये रहा वो ठेला। इस बार क्या करा अंजलि, यहां से भागकर ठेले पे जा खड़ी हुई राजू के साथ। तो ये रहा राजू, ठीक, आर फॉर राजू, और ये रही अंजलि, ठीक, ये है अंजलि और ये है राजू। अब मान के चलो जो ठेला है ना, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितनी स्पीड चल रहा है? 20 से। अब मुझे एक बात बताइए, इस अंजलि को राजू की क्या स्पीड दिखाई देगी, या इस राजू को अंजलि की क्या स्पीड दिखाई देगी? तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं ऐसा लिखूंगा आपके सामने कि वेलोसिटी ऑफ राजू एज सीन बाय अंजलि, एक तो ये निकालना है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ अंजलि एज सीन बाय राजू। तो जो ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? राजू ऑब्जर्वर है, और यहां पर देखने वाला ऑब्जर्वर कौन है? अंजलि है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? वेलोसिटी ऑफ राजू माइनस वेलोसिटी ऑफ अंजलि। अब बताइए, जितनी स्पीड से ठेला जा रहा है उतनी स्पीड से अंजलि जा रही होगी, उतनी ही स्पीड से राजू जा रहा होगा, मतलब दोनों की स्पीड कितनी है? 20। तो 20 में से 20 गया तो कितना जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। मतलब अंजलि को राजू रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, क्यों? खड़ा है। तो जब उसको देखेगी ठेले पे तो उसको रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा।
सेम कंडीशन अगर इसमें देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ अंजलि माइनस वेलोसिटी ऑफ राजू दैट मींस 20 माइनस 20 कितना जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अंजलि को इस बार राजू को अंजलि राजू जब देखेगा अंजलि को तो अंजलि भी उसको रेस्ट में दिखाई देगी 0 मीटर पर सेकंड स्पीड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो ये बच्चे दो केसेस हो गए, पहला और दूसरा। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, हो गया। चलो थर्ड केस जरा देखो। थर्ड केस क्या है कि ये भाई साहब राजू है, ठीक, ये रहे राजू और ये रही अंजलि, ठीक। चलो मान के चलो कि जो अंजलि है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितनी स्पीड चल रही है 20 से, ठीक है, और ये राजू 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है, कितनी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो जो राजू की स्पीड है दैट इज व्हाट 10 मीटर पर सेकंड और जो अंजलि की है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अगर मैं आपसे अगेन ऐसे पूछूं कि बताइए कि अंजलि को राजू कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा या राजू अंजलि को कितनी स्पीड से देखेगा जाता हुआ, तो पहले एक चीज को समझ लो बेटे, थोड़ा साइन कन्वेंशन का केस है उसको जरा देख लो। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को बच्चे हिंदी में कहते हैं चिन्ह परपाटी का नियम, वो देख लो जरा। ये साइन कन्वेंशन क्या है, सीधी सी बात कि अगर देखो ये ओरिजिन है मूल बिंदु, ओरिजिन ये आपका ओरिजिन है ओ, अगर आप ओरिजिन से इधर जाओगे तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कैसी लेंगे आप पॉजिटिव। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी नेगेटिव और नीचे जाओगे तो वेलोसिटी कैसी होगी नेगेटिव, ये आपका साइन कन्वेंशन है। अगर आप ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ राइट साइड की तरफ चलोगे तो आप वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेना, ये जनरल सी बात है, ठीक है, और ये इधर जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ अंजलि एस सीन बाई राजू, ये निकालना है, यानी देखने वाला कौन है इस बार, ऑब्जर्वर कौन है, राजू है, तो राजू को अंजलि की क्या स्पीड दिखाई देगी, खुद की तो कितनी है 10 और अंजलि की कितनी है 20, अब इसको क्या स्पीड दिखाई देगी इसकी, तो एक्चुअल में कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ अंजलि माइनस वेलोसिटी ऑफ राजू, ऐसी तो निकालोगे, अंजलि की स्पीड कितनी है 20 और राजू की स्पीड कितनी है 10, साइन कन्वेंशन में लगा दो क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो सारी वैल्यू कैसी ली हमने पॉजिटिव, कोई दिक्कत, बीच में कैसा आएगा साइन माइनस का, 20 में से 10 गया तो कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि इस राजू को ये अंजलि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया उसकी खुद की भी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है और अंजलि की कितनी है 20, जब वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी तो राजू पीछे से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई दे रही है अंजलि 10 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई दे रही होगी, बात समझ में आ रही है, तो ये है। लेकिन अगर मैं यही आपसे बोलूं कि बताइए वेलोसिटी ऑफ राजू एज सीन बाई अंजलि, इस बार अंजलि को राजू की स्पीड क्या दिखाई देगी, अंजलि दौड़ रही है 20 से, राजू की तरफ देखा उसने मुड़ के कि राजू मेरे पीछे कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, तो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ राजू माइनस वेलोसिटी ऑफ अंजलि, तो इस बार बच्चे ऑब्जर्वर कौन है हमारा, अंजलि है, तो देखने वाला कौन है अंजलि, ठीक। तो राजू की स्पीड कितनी है बच्चे 10, अंजलि की कितनी है 20, 10 में से 20 गया तो कितना जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 क्या बता रहा है, माइनस सिंबल क्या बता रहा है, किधर आ इसकी स्पीड बच्चे कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 20 और इसकी स्पीड कितनी है 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड घटते हुए वेग से उसको दिखाई दे रही होगी, माइनस ये बता रहा है, यानी खुद की स्पीड कितनी है उसकी 20 है, और जब पीछे मुड़कर देखेगी तो राजू उसको 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा, माइनस का मतलब क्या है कि खुद की 20 है वो घटते हुए 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसे दिखाई देगा,
ये बात क्लियर है, ये दोनों चीजें एकदम क्लियर है, बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, हो गया नोट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ, वो देखो फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या बोल रहा है, चलो जैसे ये राजू है भैया, ठीक, ये है अंजलि, ठीक है, चलो अगर मान के चलो इस बार राजू अगेन वही बात 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, जो अंजलि है ये रही अंजलि, अंजलि राजू की तरफ आ रही है, अंजलि किसकी तरफ आ रही है, राजू की तरफ, ठीक। और मान के चलो इसकी स्पीड कितनी है, 20, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। देखो एक दूसरे के आमने सामने है, तो राजू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और अंजलि 20 की स्पीड से आ रही है। तो मैं पहला प्रश्न पूछूंगा आपसे कि राजू को अंजलि की क्या स्पीड दिखाई देगी, और दूसरा पूछूंगा कि अंजलि को राजू की क्या स्पीड दिखाई देगी, यानी राजू कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा और राजू को अंजलि कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान से इस बात को समझना, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ राजू एज सीन बाई अंजलि, ये निकालना है, तो इस बार देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, अंजलि है, तो अंजलि देखेगी कि राजू कितनी स्पीड से आ रहा है। तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ राजू माइनस वेलोसिटी ऑफ अंजलि, तो राजू कितनी स्पीड से आ रहा है, 10, साइन कन्वेंशन लगाओगे, इधर की तरफ आओगे तो पॉजिटिव, अंजलि इधर की तरफ जा रही है तो अंजलि की स्पीड कैसी हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव, माइनस का तो साइन ये आ गया, प्लस ये साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा, ये इधर जा रही है, अभी आपको बताया था मैंने कि जब आप इधर जाएंगे तो वेलोसिटी आपको कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 10 प्लस कितना हो गया 20, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब अंजलि को राजू की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगी। आपने देखा होगा जब कोई धावक, दो रेसर, दो एथलीट जब दौड़ते हैं रोड पर तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर भी आप बैठे हैं, जब आपकी ट्रेन जा रही है और सामने से कोई ट्रेन आती है, जैसे ही बहुत नजदीक आती है तो हमें उसको ट्रेन बहुत स्पीड से आती हुई दिखाई देती है, देखा कि नहीं देखा है, जो जिस ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं वो ट्रेन, और सामने से जो ट्रेन आ रही है, तो जैसे ही वो पास करती है, गुजरती है दो ट्रेन आपस में, तो आपको उस सामने वाली बहुत भयंकर स्पीड से आती हुई दिखाई देती है। सेम कंडीशन, अंजलि की खुद की स्पीड 20 है और सामने से कौन आ रहा है, राजू, तो अब स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही ऐड होगी स्पीड, तो आपको कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 30। आपने देखा होगा कि दो रेसर कभी भाग रहे हैं, मैं से आ रहा हूं, एक इधर से आ रहा है, तो जब गुजरते हैं तो दोनों की स्पीड तेज दिखाई देती है। तो अंजलि को भैया इस राजू की स्पीड क्या दिखाई देगी, 30 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा राजू। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे मैं बोलूं कि इस बार राजू को अंजलि की क्या स्पीड दिखाई देगी, अंजलि कितनी स्पीड से इस राजू की तरफ आ रही है, ये निकालना है, तो ऑब्जर्वर कौन है इस बार, राजू, तो वेलोसिटी ऑफ अंजलि एज सीन बाई राजू, तो बच्चे आर यानी राजू कौन है इस बार, हमारा ऑब्जर्वर है, जरा देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ अंजलि माइनस वेलोसिटी ऑफ राजू, अंजलि की स्पीड देखो कितना आ जाएगा बच्चे, 20, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको लगाना है, इधर जा रहे हैं तो कितना बन जाएगा, माइनस का 10, और ये माइनस, और राजू की स्पीड कितनी हो जाएगी, इधर आ रहा है साइन कन्वेंशन तो पॉजिटिव होगा, तो -10, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पर, मैग्नीट्यूड देखो तो बच्चे कितना आ रहा है, 30 और 30, ठीक है, बताइए कोई आपत्ति यहां पर, कोई दिक्कत, ठीक है, ये दो बातें क्लियर है, क्लियर, एक कंसेप्ट देखिए, चलो नेक्स्ट, अगला देखो नेक्स्ट, पांचवा कंसेप्ट, अगर मैं आपसे अब ऐसा बोलूं कि मान के चलो ये पुलिस वाला है, पुलिस, ये पुलिस है,
और ये चोर है। कौन है ये? चोर। ये चोर, ठीक। अब पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो 100 मीटर की है। कितनी है? 100 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की। और इस चोर की जो स्पीड है ना, वेलोसिटी ऑफ चोर, वो है 10 मीटर पर सेकंड, और जो पुलिस की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोलूंगा आपसे कि कितने टाइम में या कितने टाइम बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस की स्पीड ज्यादा है 20 और इसकी स्पीड 10 है, तो एक टाइम बाद तो पकड़ ही लेगी पुलिस चोर को। अब ऐसे भी पुलिस चोर को पकड़ लेती है, कहीं भी छुप जाए। तो आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम बाद, यानी क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम पुलिस कैच टू द चोर, टू द चोर, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यानी टाइम निकालना है। और टाइम निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए हाँ के ना? टाइम निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने का। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो बच्चे मैं डिस्टेंस की जगह कितना लिख दूंगा? 100 मीटर। स्पीड हमें निकालनी है, जरा देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाई चोर, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, स्पीड निकाल दो। तो बच्चे कितना आ जाएगा? पुलिस की स्पीड कितनी है? 20 और -10, तो 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। या मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ चोर एज सीन बाई पुलिस, तो वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस पुलिस माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 - 20, तो -10 की मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा, ठीक है। यानी आपको क्या है, माइनस और प्लस है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, 10 और 10। और टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो आपको तो बच्चे इसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है। तो माइनस प्लस से क्या मतलब है? टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता। तो आपको स्पीड को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो 10 का भाग 100 में देंगे तो कितना जाएगा? 10 सेकंड। यानी आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी, 10 सेकंड बाद। बात क्लियर है? 10 सेकंड बाद ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन इसी के अंदर एक खास कंसेप्ट जरा देखिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि जो रिलेटिव टाइम, जो टाइम है समय, और एक रिलेटिव डिस्टेंस सापेक्ष दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑन रेफरेंस, या बच्चे इसको क्या बोल सकता हूं? ऑब्जर्वर, यानी देखने वाला। हिंदी वालों के लिए कि समय और रिलेटिव डिस्टेंस सापेक्ष दूरी बेटे कभी भी ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। टाइम का कोई भी लेना देना नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि टाइम तो हमेशा चलता रहेगा। टाइम का कोई भी लेना देना नहीं है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस चलती रहेगी। अगर आप जितना चलोगे डिस्टेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है इन दो चीजों का। तो पहली बात, टाइम और रिलेटिव डिस्टेंस सापेक्ष दूरी, ये ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। कोई मतलब नहीं उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है क्या है, कोई मतलब नहीं है। इतनी बातें क्लियर हैं? समझ में आ रही है इतनी चीजें एकदम क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए नेक्स्ट। चलो मान के चलो आपके पास यहां एक ट्रेन है। ये क्या बच्चे? कि ट्रेन है ये रे ट्रेन, और एक दूसरी ट्रेन है ये। ये इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। मान लो जो पहली वाली ट्रेन है, ये पहली वाली ट्रेन, ये इसकी स्पीड है, ए ट्रेन नाम दे देता हूं उसका, बी ट्रेन नाम दे देता हूं ना। तो ए की जो स्पीड है वो है आपकी 30 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड।
मान के चलो इस ट्रेन की जो लंबाई है ना वो आपको मान लो थोड़ा बड़ी बना देता हूं ना, एक जैसा लगेगा। यानी इस ट्रेन की जो लंबाई है वो मान के चलो 200 मीटर है, कितना है 200 मीटर लंबाई है, और पहली वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो है 100 मीटर। ये है इसकी 200 मीटर और उसकी ए वाली की 100 मीटर। हमसे बोल रहा है कि कितने समय बाद ये एक दूसरे को पास कर जाएंगे, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस टू ईच अदर। हिंदी वालों के लिए ये दो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, इसकी 100 मीटर, ये 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, ये कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे एक दूसरे को। तो आफ्टर हाउ मच टाइम, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर, आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर। बोलिए कोई दिक्कत? तो टाइम का एक ही कंसेप्ट है, वो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला है, टाइम की बात आए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली बात है कितनी दूरी तय करेंगे क्रॉस करने के टाइम पे, तो ये तो 100 मीटर की दूरी तय करेगी, इसकी लंबाई 100 मीटर, तो ये 100 मीटर की दूरी तय करेगी क्रॉस करने के टाइम पर, और इसकी लंबाई 200 मीटर, तो 200 मीटर की दूरी तय करेगी क्रॉस करने पर। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी, 100 प्लस 200 दैट इज 300 अपॉन स्पीड आपको निकालनी है। अगेन वेलोसिटी ऑफ ए एच सीन बाई स्पीड निकाल दो, तो ए वाली स्पीड में से बी की माइनस कर दो, तो आप जरा देखो ए की स्पीड कितनी है 30, ये इधर आ रही है, तो ये माइनस साइन कन्वेंशन कितना हो जाएगा -20, तो 30 और 20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +50। कोई दिक्कत? ये 30 ये इधर आ रही है तो साइन कन्वेंशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ऐसे ही मैं बी ए निकालूं तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी की स्पीड कितनी है दैट इज 10, तो साइन कन्वेंशन -10, माइनस ए की कितनी है 30, सॉरी 10 होगा, 20 नहीं 10, 10 है नहीं तो 40। ठीक, एक मिनट, ये 10 होगा ना, ये 40 और ये कितना है 30, तो ये -40। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है। तो टाइम कितना हो जाएगा 40, तो आ जाएगा 300 बट्टे बेटे 40, खत्म। तो यह आ जाएगा 2 15 बट्टे कितना आ जाएगा 2 2 4, तो 7.5, यानी 7.5 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, 7.5 सेकंड में बच्चे एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो टाइम कभी भी निकलवाने को बोले तो यही एक तरीका है टाइम को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने के चांस होते हैं, चाहे आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी में आगे की तरफ बच्चे एक नया कंसेप्ट, दैट इज मेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, या ऐसे बोल दो रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, छाता और बारिश वाला खेल। तो इस कंसेप्ट को फील करते हैं, ध्यान से देखो टॉपिक क्या है, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, है ना, अम्ब्रेला। जनरली इसमें से आपके एसीजी के पेपर में अच्छे क्वेश्चन बना था, है ना। तो जरा देखो कंसेप्ट क्या है, आपने एक चीज महसूस करी होगी, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, सारी डेली लाइफ के आज के कंसेप्ट में, कि अगर मैं खड़ा हूं ठीक, और आपके हाथ में छतरी है, खड़ा हूं मतलब रेस्ट में हूं, विराम में हूं, और बारिश पड़ रही है, तो आपको जो बारिश आती हुई दिखाई देगी सीधी आती हुई दिखाई देगी, जनरल आंधी अगर नहीं चल रही है, तूफान अगर नहीं चल रहा है, तो आपको सीधी बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो आप बारिश से बचने के लिए छाता सीधा खोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक पर बैठ गए और बाइक की स्पीड 40 50 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आर है, तो आपको जो बारिश है वो तिरछी आती हुई दिखाई देगी आपकी आंखों में, आपके फेस पर आएगी। तो आप बचने के लिए कैसे छतरी खोलोगे, सीधी खोलोगे ताकि बारिश से बच जाए।
तो यहां दो ही तरीके कंसेप्ट बनेंगे। एक तो आपसे पूछेगा अगर आप रेस्ट में हैं तो अब आपको बारिश कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है, दूसरा जब आपने स्पीड से चल रहे हैं तो बारिश आपको कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा जब बाइक पर बैठेंगे स्पीड ज्यादा बाइक की बढ़ाएंगे तो बारिश आपको तेजी से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन रेस्ट में तो आपको बारिश धीरे जितनी स्पीड से आ रही है ओरिजिनल स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन आप तेज से चला रहे हो बाइक तेज से आती हुई दिखाई देगी। मतलब यहां यही दो चीजें पूछनी है कि कितनी स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देगी मैन को, इंसान को, आदमी को, या दूसरा आपसे पूछेगा कि कितने एंगल पर छतरी को खोला जाए ताकि बारिश से बचा जाए। तो दो ही चीजें आपको यहां समझनी है कंसेप्ट के अंदर, ठीक समझे। तो पहले कंसेप्ट को समझेंगे बच्चे और उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके के लगाएंगे, ध्यान से समझ लेना, एक ही कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो बारिश पड़ रही है, थोड़ा सा कंसेप्ट पहले देखेंगे उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चे, चीजों को एक एक चीजों को हम समझेंगे। ये बारिश है तो अगर ये बारिश है तो बच्चे इसकी कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यानी इसकी स्पीड है दैट वी आर, तो वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, और कहां है वर्टिकल डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ, उधर नीचे की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां एक भाई साहब है, ये रे राजू है, ठीक है, ये रे मैन इंसान, और ये रेस्ट में है, किसमें है रेस्ट में, समझ लो किसमें है, ये रेस्ट में विराम में है, मतलब इसकी स्पीड क्या है जीरो। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए कि इस इंसान को, इस मैन को कितनी स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देगी, कंसेप्ट ये है। तो कंसेप्ट को समझते हैं, ध्यान से एक बात को समझना, पहले लॉजिक को एक को समझ लेना बच्चे, ऐसे कि इसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना मैं जो जो चीजें आपको सिखा रहा हूं। पहले ये हम सब जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हम सब जानते हैं नेगेटिव एक्सिस है, ये हम जानते हैं प्लस वाई एक्सिस है, ये हम जानते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस है, लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर के केस में बेटे प्लस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे प्लस आई कैप, माइनस एक्सिस को क्या बोल देंगे माइनस के आई कैप, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। वाई को क्या बोलेंगे प्लस के जे कैप, और माइनस वाई को क्या बोलेंगे माइनस के जे कैप। तो बारिश नीचे की तरफ आ रही है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी अगर डायरेक्शन मुझे शो करनी होगी तो क्या लिखूंगा माइनस के जे, यानी क्या करूंगा माइनस के जे। तो माइनस के जे से, माइनस के जे कैप से मुझे समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो नीचे की तरफ है। अभी रेस्ट में मान के चलो अगर मोशन में होता, इधर चल रहा होता, तो मैं इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आई शो करता, तो पॉजिटिव आई से मुझे पता लग रहा है कि डायरेक्शन कैसी है प्लस एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए, बताइए क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अब आपसे मैं बोलता हूं कि इस इंसान को कितनी स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देगी, तो आप क्या बोलोगे वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाई मैन, इसका मतलब यही तो हुआ, तो समझ में आ गई। देखने वाला कौन है यहां पे, ऑब्जर्वर कौन है, मैन है, तो इसे क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाई मैन, तो मैन के द्वारा बारिश आपकी देखी जा रही है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ आर में से मैन की स्पीड को घटा दिया जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन बच्चे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर है, वेक्टर में अक्सर गलती करते हैं हम, अगर हमें इस आदमी को बारिश की क्या स्पीड दिखाई देगी, क्योंकि देखो ये भी जरा ध्यान से देखना, इसी कंसेप्ट को देखना ध्यान से। अभी के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बोलूं, थोड़ी देर के लिए कि ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, किसमें है मोशन में, और इसकी कुछ स्पीड है वीएम यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, कुछ स्पीड है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज प्लस आई कैप, ठीक। तो फिगर को ध्यान से देखना, उसी फिगर को, तो आप बारिश कहां आ रही है नीचे की तरफ आ रही है, लॉजिक को देखना, बारिश कहां आ रही है नीचे की तरफ, तो भैया रेन की स्पीड है कहां, ये माइनस जे आपको क्या बताएगा कि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक कोई दिक्कत। अब आदमी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर जा रहा है यानी प्लस आई कैप आपको क्या बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है, कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं लिखूं यहां वेलोसिटी ऑफ रेन
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन, यहां डायरेक्शन लिख दूं माइनस के जे कैप, और माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस का आई कैप, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत? लेकिन यहां जरा देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और प्लस है, इसलिए अब जो डायरेक्शन आप सो करोगे प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। अब डायरेक्शन आप कभी इधर की तरफ सो नहीं करोगे, डायरेक्शन आप किधर की तरफ सो करोगे मैन की, हमेशा इधर की तरफ। ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी ये होगी इसकी डायरेक्शन, यही बात आपको पकड़नी है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी अगर आप इस फिगर से इसको फील करने की कोशिश करोगे तो इधर जा रहे हो भैया पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आप इधर शो करोगे। लेकिन आपको क्या देखना है कि वेक्टर है, तो बच्चे यहां से आपको कंसेप्ट को लगाना है, तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस, इसलिए आपको हमेशा ये आपको कंडीशन शो करनी है। अब ऐसे केस में बच्चे इसकी वेलोसिटी कुछ दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी 5 मीटर पर सेकंड, दोनों ही वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो इनका वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाला जाता है। ये रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट इसका बताइए, रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, ये आपकी रेन की स्पीड होगी, रिजल्टेंट होगा ये, मतलब मैन को कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी बारिश, तो कैसे निकाला जाएगा, रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, ये तरीका है, इससे आप निकालेंगे। जैसे मान के चलो कि जो मैन था वो आपका 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बारिश 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक, तो मैन की जगह क्या लग देंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 100 116 आ जाएगा रूट में, इतनी मीटर पर सेकंड से बारिश आती हुई दिखाई देगी इस मैन को, ये है कंसेप्ट। तो ये तो आपको स्पीड निकालना आ गया। दूसरा, ये किस दिशा में छतरी खोले, वो एंगल यानी डायरेक्शन वाला केस, बारिश से बचने के लिए किस डायरेक्शन में छतरी खोले, ये बात भी आप समझ लो, वो भी सीधा सा कंसेप्ट है। देखो तो आपको डायरेक्शन बताने के लिए बच्चे किस दिशा में खोलें, डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको निकालना है दिशा, तो आपको थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इससे आप बच्चे निकाल पाएंगे डायरेक्शन, अम्ब्रेला की डायरेक्शन, किस दिशा में छाते को खोलें जिससे हम बच पाए बारिश से। तो ये थीटा बराबर टेन इनवर्स वी एम अपॉन आर, आया कहां से, मैं इस बात को भी आपको यहां बता देता हूं। जरा देखो यहां, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये हमारा एंगल हुआ थीटा, तो हमको पता है ये लाइन और ये क्या है पैरेलल, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, मैन। तो अब सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो सामने वाला लंबवत परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या बन जाएगा, बेस, बेस में क्या आ जाएगा वी आर, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर, ये यहां से निकल के आता है, बात समझ में आ रही है। सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा लंबवत और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ गया, तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। तो दो चीज आपके पास, एक तो ये और एक आपके पास ये पता है, तो आप इजिली हर क्वेश्चन को लगा लोगे, ये चीज है बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें फील हो जाएंगी, जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर वन बच्चे, जैसे ये बारिश है, बारिश पड़ रही है, ठीक, मान के चलो ये जो बारिश है ना, इसकी जो स्पीड है रेन की वो है 4 मीटर पर सेकंड, कितना है 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो भाई साहब नीचे हैं ये रेस्ट में है, किसमें है, वेलोसिटी ऑफ मैन वो किसमें है, जीरो, यानी किसमें है, ये रेस्ट में है, विराम में है, रेस्ट में मतलब विराम में है, इनकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी मैन को, तो आप क्या करोगे, रूट में हमेशा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, तो वी आर कितना है बच्चे, 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, तो रूट में 16 आ जाएगा और 16 को लिखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड। आपने महसूस किया होगा कि जब आप रेस्ट में हैं तो जिस ओरिजिनल स्पीड से बारिश आ रही होती है हमें उसी स्पीड से दिखाई देती है, तो इस मैन को कितनी स्पीड से दिखाई देगी, जितनी स्पीड से वो आ रही है, बताइए, क्लियर।
तो बारिश से बचने के लिए किस दिशा में छाता खोलना पड़ेगा? अब देखो सीधा सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा था थीटा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, जीरो, या जाएगा टेन इनवर्स जीरो अपॉन मैन की स्पीड कितनी है, चार, चार का भाग देंगे तो जीरो में कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स जीरो, तो ये कितना बन जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। तो थीटा कितना बन जाएगा बच्चे, जीरो डिग्री पर आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। मतलब ये सिचुएशन बन जाएगी बच्चे, ये जरा देखो कौन सी सिचुएशन बनेगी, ये वाली, देखो जरा ध्यान से देख लेना कौन सी सिचुएशन बनेगी। यानी बारिश कहां पड़ रही है, नीचे की डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस का जे। इससे बचने के लिए छतरी को कहां खोलना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं है, ये आपका अम्ब्रेला है, क्या है, अम्ब्रेला। थीटा कितना आ जाएगा, जीरो डिग्री, ठीक है। और कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर फिगर वाइज देखना चाहो ये आपके पास सीधा सा कंसेप्ट है, सीधे से क्वेश्चंस लगा लोगे। अगर आप और थोड़ा सा फिगर वाइज समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर मैं निकालूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाई मैन, तो क्या कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, चार, नीचे की तरफ है तो माइनस का जे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, जीरो। किधर जा रहे हैं हम, इधर की तरफ जा रहे, सॉरी रेस्ट में है, तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत, रेस्ट में तो जीरो आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, अब हमने क्या करा, इसका रूट करेंगे तो 16, तो बच्चे क्या निकल के आ जाएगा, चार ही निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन और कराता हूं, आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरा देखो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। मान के चलो कि जो बारिश है, ये बारिश है इस बार, इस बार जो बारिश की स्पीड है ना, वो मान लो कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 8। और यहां जो मैन है एक, इसकी स्पीड बच्चे कितना है, 6 मीटर पर सेकंड। अब इस मैन को ये बारिश कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय रेन, तो सीधा सीधा आपके पास क्या कंसेप्ट था, सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 64 + 36, तो यह बन जाएगा 6 × 4 = 10, यानी 100, रूट में 100 को बाहर निकालूंगा तो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए, यानी अब बारिश कितनी स्पीड से आती दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वाकई में आ कितनी से आई थी, 8। तो आप जब चलते हो, आप जब स्पीड बढ़ाते हो, अपनी स्पीड तेज करते हो, तो बारिश भी आपको तेज आती हुई दिखाई देती है, ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया। अब कितने एंगल पर छतरी को खोलें, तो सीधा सा कंसेप्ट है, थीटा बराबर टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन की स्पीड कितनी है, 6, टेन इनवर्स 6 × 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो 10 इनवर्स याद आएगा बच्चे 3/4, और 10 इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू है बच्चे, वो होती है 37 डिग्री। कितनी होती है, 37 डिग्री होती है, कितना होता है, 37, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 37 डिग्री होती है, कितनी होती है, 3/4 की वैल्यू 37 डिग्री। ये तो सीधा सीधा है, अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में और समझना चाहें तो फिगर वगैरह से वो देख लो, लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा थ्योरी तो लिखनी नहीं है, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ये टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर चाहते हो कि आप सर इस तरीके से कराओ, तो देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाई मैन, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की स्पीड कितनी है, 8, नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस का जे, माइनस, ये 6 से जा रहा है इधर की तरफ, तो दैट इज प्लस आई, कोई दिक्कत। अगर मुझे इसको शो करना है तो प्लस और माइनस माइनस, तो मुझको अगर इसको डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो जरा मैं शो कर सकता हूं कि बारिश कहां आ रही है, नीचे की तरफ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और माइनस प्लस माइनस, तो किधर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आ गया। ये कितनी दे रखी है, 8, ये कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, अब हमें पता है इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इसका ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, रेन का स्क्वायर, मैन का स्क्वायर, तो 8² + 6² सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा।
अब बारिश उसको इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, तो बताइए छतरी वो किस दिशा में खोलेगा, इस डायरेक्शन में खोलेगा कि नहीं खोलेगा बताओ। यानी छतरी कैसे खोलेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खोलेगा बारिश के, ये छतरी खोलेगा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला भी एंगल क्या बन जाएगा हमारा थीटा। तो आप जरा यहां से देख लो, सेम चीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहीं से सब कुछ लॉजिक निकल के आया, वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता दिया है। तो अब जरा देखो ये वाली लाइन और ये वाली अगर लाइन में ड्रॉ करूं तो ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल, तो ये भी कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये 6 हो जाएगा। तो टेन थीटा अगर आप यहां से निकालोगे तो यहां से भी कितना बन जाएगा 6/8 भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 8, तो दिया जाएगा आपका 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 inverse 3/4, और 10 inverse 3/4 की वैल्यू होती है 37 degree, जरा देख लिए, यही निकल के आ गया। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना, ये शॉर्ट में इस तरीके से बना दिया गया है, इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है एनडी एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर, आपको सीधा सा ये दो बातें पता होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ किस तरीके से निकालेंगे ना, ये थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, ठीक है, कोई दिक्कत, आदमी तो देखेगा, बारिश थोड़ी ना देखेगी कितनी स्पीड से आ रहा है। तो ये चीजें हैं भाई, आसानी से तुमको समझ में आ गया होगा, जितना से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है आप लोगों को, और आपके इसी बेसिस पर रेन और मेन पर क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, आईसीजी के अंदर भी बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और कल आपके पास बच्चे ग्राफ यानी रिलेटिव वेलोसिटी हमारा खत्म हो गया है, कल आपके पास ग्राफ बेहतरीन अंदाज के अंदर ग्राफ्स, दो लेक्चर्स आपको ग्राफ के मिलेंगे, ठीक है। तो कल आपको ग्राफ की वीडियोस मिल जाएगी, आज इसको अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से चीजों का रिवीजन करना, और बस मेहनत करते रहना, ठीक है। तो याद रखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। बस प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाओगे कंसेप्ट उतना ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।